चॉकलेट चिप्स बनाने के लिए यू ओनली नीड वन इंग्रेडिएंट, दैट इज डार्क चॉकलेट का स्लैब, और यू कैन टेक मिल्क चॉकलेट स्लैब एज वेल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. सो इट्स वेरी इजी टू मेक एंड आई ट्राइड इट एंड इट टर्न आउट रियली गुड. एंड अबाउट दिस देर आर सम टिप्स ऑल्सो जो मैं आपको आफ्टर मेकिंग द एंटायर थिंग आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो याद कीप वॉचिंग. सो हे गाइस, दिस इज अपूर्वा जैन एंड यू आर वॉचिंग क्रिएटिव अपूर्वा जैन. वैसे आई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन फॉर कुकिंग, लेकिन वॉट एवर थिंग्स टर्न आउट रियली गुड आई शेयर इट ऑन माई चैनल. सो इफ आई कैन मेक इट इवन यू कैन. सो कीप वॉचिंग. ओके, सो आई टुक टू स्लैब्स ऑफ डार्क चॉकलेट फॉर मेकिंग चॉकलेट चिप्स. एंड आपको उसको डबल बॉयलर मेथड से यू हैव टू मेल्ट द चॉकलेट. तो मेरा थोड़ा बहुत पिघला हुआ था, सो इट वॉज ईजी फॉर मी टू मेल्ट. तो फॉर डबल बॉयलिंग यू हैव टू टेक अ पैन एंड अ लिटिल वाटर इन टू इट, लेट इट बॉयल फॉर अ वाइल. एंड देन उसके ऊपर आपको एक और दूसरा पैन रखना है या नॉन स्टिक, जिसमें आपने चॉकलेट को मेल्ट करना है, समथिंग लाइक दिस. कीप द गैस स्टोव ऑन लो फ्लेम एंड स्टार्ट स्टरिंग इट. एंड इन बिटवीन आप उसे थोड़ी 10-15 सेकेंड्स के लिए छोड़ सकते हो. एंड देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट स्टरिंग इट. मेक श्योर कि उसको आप अच्छे से पूरा मिलाते रहे एंड उसको हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं करना है, वरना थोड़ा सा चॉकलेट जो है वो जल जाता है. ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी वी गेट. नाउ आप इसको गैस स्टोव से नीचे ला सकते हो एंड स्टिल कीप ऑन स्टरिंग. बट इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने देना है हमें, बिकॉज हमें चॉकलेट चिप्स बनाना है. सो थोड़ा सा जितना गाढ़ा हो उतना अच्छा रहेगा. ओके, सो बाय द टाइम इट्स गेटिंग थिकर आपको एक कोन बनाना है. अब सो मैंने यूज़ किया है ये मिल्क पैकेट, जो अच्छे से वॉश करने के बाद आपको अच्छे से सुखा कर यूज़ में लेना है. और यू कैन टेक अ प्लास्टिक पैकेट ऑफ योर ओन, जिससे आप कोन बना सकते हो. एंड इस वे में आपको उसे इंसर्ट करना है इन टू अ ग्लास प्रॉपरली. मेक श्योर आप क्लॉथ वाला जो कोन होता है वो बिल्कुल यूज़ में ना ले, प्लास्टिक वाला ही लेना है. एंड नाउ इट इज़ बिकम अ लिटिल थिकर. तो मैं थोड़ा सा और थिक होने दे रही हूँ, थोड़ा सा और ठंडा होने दे रही हूँ. एंड आफ्टर दैट ओनली आई पोर इन टू इट. सो इट्स बिकम लिटिल थिक. तो नाउ इट्स टाइम टू प्रिपेयर द चॉकलेट चिप इन टू द कोन फर्स्ट. सो आपके हिसाब से जैसा आपको इजी लगे, आपको पूरा बैटर पूरा मेल्टेड चॉकलेट इसमें पोर करना है. कैन यू सी द कंसिस्टेंसी, इट्स बिकम लिटिल थिकर. ज़्यादा पतला होएगा तो आपको पोर करने में इजी नहीं रहेगा. एंड वो पूरा जो हम ड्रॉप्स जो हम पोर करेंगे, जो हम ड्रॉप्स बनाएंगे, वो पूरा फैल जाएगा. सो इसीलिए हमें थोड़ा इसको गाढ़ा होने देना है. सो दिस वे यू हैव टू पुट इट एंड देन टाई इट विद अ रबर बैंड प्रॉपरली. थोड़ा सा कोन शेप में बनाकर आपको ऊपर एक रबर बैंड से टाई कर लेना है. ऑलराइट, सो द कोन इज डन एंड नाउ इट्स टाइम टू मेक द एक्चुअल चॉकलेट चिप्स. उसके लिए आपको पहले तो जो कोन है ना एकदम छोटा सा नीचे कट करना है विद द हेल्प ऑफ द सिजर्स. मेक श्योर बहुत ज़्यादा कट ना हो. And then you have to take one more material, that is this kind of plastic. या फिर आप एक aluminium foil भी ले सकते हो. And इस तरीके से आपको धीरे धीरे drops करने हैं. Okay, थोड़ा दूर दूर रखना ताकि easily आप उतार पाओ उसे. So something like this. मेरा जो melted chocolate है वो मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा था. आप लोग थोड़ा सा और गाढ़ा रख सकते हो उसको. मैंने एक्चुअली ज़्यादा वेट नहीं किया था फॉर इट टू गेट लिटिल थिकर, बिकॉज आई कुडंट कंट्रोल टू ट्राई इट एंड टू हीट इट. सो यस, ऑफकोर्स आप ऐसे भी खा सकते हो. ये आप ड्रॉपलेट्स देख रहे हो. सो थोड़ा सा आपको है ना उसको प्लेस करके यू हैव टू लाइक पुल इट अप. तो ये ज़्यादा फ्लैट नहीं रहेगा. मेरा थोड़ा सा फ्लैट बना था, बट आप लोग उसको और गाढ़ा रखोगे तो एकदम प्रॉपर बनेगा. सो नाउ आफ्टर फिलिंग इट अप टोटली, आई मीन फिलिंग दिस पैकेट विद दिस चिप्स, ये कुछ ऐसा बन के आया. अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज में. सो आपको प्रॉपरली इसको प्लेस कर देना है, अच्छे से रखना है फॉर सम टाइम इन द फ्रिज. सो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर आप कैसे कर सकते हो. सो फर्स्ट उसको आप प्लेस करोगे अच्छे से एक थाली के ऊपर प्रॉपरली, ताकि ये जब हम निकालने जाना तो हमें ईजी पड़े. सो प्रॉपरली जस्ट पैकेट एंड नाउ स्टार्ट पुटिंग द ड्रॉप्स ऑन इट, जैसे आप पहले वाले में मैंने आपको दिखाया था.
बस उसी तरीके से आपको अगेन प्लेस करना है. ये थोड़ा प्रॉपर नहीं हुआ स्टार्टिंग में, नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू इट प्रॉपरली. सो यस समथिंग लाइक दिस, जस्ट ड्रॉप डालना है एंड यस आपको उठा लेना. अब इस टाइम तक मेरा जो मेल्टेड चॉकलेट था वो थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका था, सो नाउ इट वॉज कमिंग आउट रियली प्रॉपरली. सो कैन यू सी दिस, जस्ट आपको एक ड्रॉप डालना है एंड पिक इट अप, जस्ट ड्रॉप इट एंड पिक इट अप. सो ये थोड़ा प्रॉपर आपका चॉकलेट चिप्स उठ के आएगा. एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी फन थिंग टू डू. लाइक आप अपने घर पे कोई किड हो आप उनको भी बोल सकते हो ऐसा करने, इवन दे विल एंजॉय अ लॉट. इट्स वेरी इजी एंड इंस्टेंट टू मेक. सो नाउ दिस इज ऑल्सो डन. अब ये पूरा थाली के साथ वी हैव टू कीप इट इन द फ्रिज. सो आई केप्ट इट फॉर अराउंड 20 मिनट्स. आपका ये आराम से 10 मिनट में भी हो जाएगा, बट जब तक आपको नीचे अंदर रखे रहो. सो नाउ आफ्टर 20-25 मिनट्स मैंने फ्रीज में से निकाल लिया था, जो फर्स्ट वाला पैकेट मैंने डाला था वो निकाल लिया. एंड सी इट्स कमिंग आउट सो ईजीली. आप चाहो तो उसे हाफ एन आवर 1 आवर के लिए भी अंदर रख सकते हो अगर आपको एकदम इमीजिएटली नहीं चाहिए हो तो. एंड यू कैन ईजीली टेक इट ऑफ विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर और विद द हेल्प ऑफ द स्पून एज वेल. सो सी कैन यू सी इट्स सो ईजी. ओके सब ये जो अल्यूमिनियम वाले पे मैंने लगाया था वो मैंने 1 आवर के बाद निकाला था जस्ट टू चेक कौन सा इजीली निकलता है. तो उससे पहले वाले से बेटर ये ज़्यादा इजीली बाहर आ रहा था बिकॉज अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर अंदर ही था ये इनटू द फ्रीज आई मीन. एंड आई कुड टेक इट आउट ईजीली विद द स्पून, विद द बैक साइड ऑफ द स्पून समथिंग लाइक दिस. इट वॉज ईजीली गेटिंग पॉप्ड आउट. सो आपको ऐसे निकाल के उसी प्लेट में एक बार इकट्ठा करना है एंड देन यू कैन स्टोर इट इन टू द बॉक्स एंड देन कीप इन द फ्रिज. ऑल्सो यू कैन टेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स विद योर हैंड्स ऑफ कोर्स. सो इट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्टेबिलिटी एंड किस तरीके से वो पूरा फ्रीज हुआ है. सो इट्स वेरी इजी, यू कैन ट्राई इट टुडे इटसेल्फ एंड देन जस्ट स्टोर इट इन अ बॉक्स. टपरवेयर बॉक्स होगा तो अच्छा रहेगा. Or you can store it at any box and keep it in the refrigerator. So wow, isn't it beautiful? Itna easily humne chocolate chips banane hai, jo aap apne koi bhi favorite pudding mein as a topping use kar sakte ho. Okay, so one major tip in making this chocolate chips is ki jab bhi aap use जब ड्रॉप्स डालते हो तो आपको वही कोन यूज़ करना है जो प्लास्टिक का बनाओ, जैसा कि मैंने दिखाया, या फिर आप कोई भी प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करके उसे एज अ कोन यूज़ कर सकते हो. बट डू नॉट यूज़ अ कोन विद नोजल, बिकॉज जो नोजल होते हैं यूजुअली स्टील के होते हैं, तो जैसे ही आपका वो चॉकलेट थिक होते रहेगा वो उसमें स्टिक होगा, फिर प्रॉपरली निकल नहीं पाएगा. सो डू रिमेंबर दिस एंड दैट्स ऑल. ये एक मेजर टिप था. And if you all like this video, do hit the like button. If you're new to my channel, do subscribe this channel because it's free. So thank you so much for watching this video. Have a great day.